हेलो नाइन्थ क्लास, टुडे वी आर स्टार्टिंग टू रीड आवर इंग्लिश सेकंड लेसन समरी. प्लीज लिसन इट केयरफुली. दिस चैप्टर टेल्स अबाउट द लाइफ स्टोरी ऑफ स्कॉटिश गर्ल नेम एवलिन ग्लेन. यह लेसन हमें एवलिन ग्लेनी नामक लड़की के बारे में कहानी बताता है. When she was 8 years old, जब वह 8 वर्ष की थी, it was noticed for the first time that she had lost her hearing capacity to some extent. 8 वर्ष की उम्र में पहली बार नोटिस किया गया कि वह अपनी सुनने की शक्ति खो रही. She managed to conceal it, वह इससे बच जाती थी या वह अपने आप को बचा लेती थी अपने स्कूल के अध्यापकों और मित्रों से. बट वेन शी वॉज ऑफ 11, जब वह 11 वर्ष की हुई, द केस ऑफ हर डेफनेस डोंट कन्फर्म, उसकी बहरेपन की बीमारी का सबको पता चल गया. शी हैड लॉस्ट हर हियरिंग कैपेसिटी टोटली, वह अपनी सुनने की क्षमता पूरी तरह से खो चुकी थी. It happened as a result of a gradual nerve damage. यह एक नस के दबने से हुआ. Everything had turned black of her. उसके लिए सब कुछ अंधकारमय हो गया. But she did not give up to it. लेकिन उसने हार नहीं मानी. She was determined to lead a normal life. उसने एक साधारण जीवन जीने का निश्चय किया. She learned music. उसने म्यूजिक सीखा. A famous percussionist Ron Fobb helped her a lot in the learning of music. एक प्रसिद्ध संगीत शास्त्री ने, जिसका नाम रॉन फोब्स था, उसने उसकी सहायता की म्यूजिक सीखने. He encouraged her. उसने उसका हौसला बढ़ाया. He told her not to hear music through her ears. उसने बताया कि वह अपने कानों से संगीत को ना सुने, but through some other way, किसी और तरीके से सुने. She practiced her. उसने कड़ी मेहनत की and got success in listening the music through other organs of her body. और अपने शरीर के दूसरे अंगों के माध्यम से उसने म्यूजिक को महसूस करना शुरू किया. शी हैड लर्न टू ओपन हर माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन. उसने अपने मन को म्यूजिक की वाइब्रेशन सुनने के लिए तैयार कर लिया. शी नेवर लुक्ड बिहाइंड फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स. उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा. उसने यूनाइटेड किंगडम की ऑर्केस्ट्रा के साथ काम किया. एट द एज ऑफ 16, 16 वर्ष की उम्र में, शी डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ. उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का निश्चय किया. शी गेव एन ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक. उसने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में अपना ऑडिशन दिया. She scored one of the highest marks in the history of the academy. उस academy के इतिहास में उसने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए. She had got mastery of some 1000 instruments of music. उसने 1000 म्यूजिक के वाद्य यंत्रों के साथ सीखना आरंभ किया. She could listen. वह सुन सकती थी एंड अंडरस्टैंड और समझ सकती थी इवन द मिनट पॉइंट, हर पॉइंट. इट सीम्स इम्पॉसिबल दैट अ डेफ पर्सन लाइक हर कैन रिस्पॉन्स टू थिंग सो फ्लुएंटली. ऐसे बहरे व्यक्ति के लिए इतनी अच्छी तरीके से जवाब दे पाना असंभव लगता था. She spoke flawlessly with a Scottish lip. वह स्कॉटिश भाषा को बहुत अच्छे तरीके से बोल लेती थी.
She says that music pulses in through her every part of her body. वह कहती कि संगीत उसके शरीर के प्रत्येक अंग में बसा हुआ है. It tingles the skin, her cheekbones and even her hair. वह उसकी त्वचा में, उसके गालों पर, उसके बालों में भी बसा. When she plays the xylophone, जब वह xylophone बजाती, she can listen its music through the fingertops. वह अपनी उंगलियों के सबसे ऊपरी हिस्से से इसे महसूस करती. By leaning against the drum, जब वह ड्रम बजाती, she can listen the echoes of her heart. वह अपने दिल से उसे महसूस करती. She performs barefooted on a wooden platform. वह लकड़ी के स्टेज पर नंगे पैर नाचती. So that music may reach to her heart through her feet and legs. ताकि उसके पैरों और टांगों के माध्यम से संगीत उसके मन तक पहुंच सके. In 1991 में she was presented with the Royal Philharmonic Society prestigious Soloist of the Year Award. 1991 में उसने Royal Philharmonic Society के लिए परफॉर्म किया और इनाम जीता. She calls her workaholic. उसने अपने आप को अधिक कार्य करने वाला बताया. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, अपने नियमित कार्यों के अलावा, शी गिव्स फ्री परफॉर्मेंसेस इन प्रिजन्स. वह जेलों में भी अपने नृत्य का प्रदर्शन करती और हॉस्पिटलों में भी करती. शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस. वह युवा संगीतकारों के लिए कक्षा भी लगाती. She is a shining inspiration for the deaf children. बहरे बच्चों के लिए वह एक आशा का स्तोत्र बन चुकी थी. Thank you. Stay home, stay safe.